हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए तो परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम इस स्थान में एकत्रित होकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद मुबारक कहने पाए। और हम जानते हैं बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जहां कहीं पर भी यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, दो या तीन लोग इकट्ठे होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन के अंदर आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आशीष मतलब उनके जीवन के अंदर सारी चीजें हो, धन संपत्ति हो, उनके परिवार अच्छा हो, सुख से रहे और चंगाइयां बनी रहे। कितने लोग चाहते हैं कि आशीष आपके जीवन के अंदर होने। मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो लोग यहाँ पर कह सके कि मुझे आशीष नहीं चाहिए। हमें से प्रत्येक जीवन को इस संसार के अंदर रहते हुए आशीष की जरूरत होती है। चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर काम करे और हम हमेशा खुशहाल जीवन बिताने पाए। हालेलुया। आज जब मैं इस पूरे सप्ताह भर मैं इस वक्त फास्टिंग में चल रहा हूँ, जैसा कि मेरी पत्नी जानती है, मैंने फास्टिंग में रहकर इस पूरे सप्ताह पर प्रार्थना किया। इस पूरे सप्ताह के अंदर परमेश्वर ने मुझको एक वचन दिया जिसको मैं आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूँ, है ना, और चाहता हूँ कि आप उस वचन को बहुत गौर से सुने ताकि आप भी अपने जीवन के अंदर आशीष और बरकतों को प्राप्त करने पाए। अगर आशीष और बरकत प्राप्त करना चाहते थे इस धर्म ग्रंथ के अंदर, यानी कि इस बाइबल के अंदर हमारे लिए आशीष के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए रखे हैं, और यदि हम उनको अच्छे से अपने जीवन के अंदर ले लें तो हम अवश्य ही अपने जीवन के अंदर आशीष और बरकतें प्राप्त करने पाएंगे, साथ के साथ में उद्धार प्राप्त करने पाएंगे, शांति अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हो लेकिन शांति ना हो और उद्धार ना हो तब भी व्यर्थ है। हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति के जीवन पर इस पूरे सप्ताह के अंदर बहुत गौर किया और उस व्यक्ति के जीवन को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप उसको उसके जीवन के द्वारा ये जानने पाए कि आशीष और बरकत कैसे प्राप्त होती है। हालेलुया। बहुत सारे मैं प्रचार यहाँ पर अपनी कलीसिया के अंदर कर चुका हूँ आशीष और बरकतों को मिला देने के लिए, और लेकिन आज एक नई तरीके से उसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ आपको। निकाल के पढ़िए, कोई मेरे लिए ज्ञानी भाई या फिर हमारी छोटी में से कोई निकाल के पढ़ेगा दूसरा इतिहास उसकी 32 अध्याय, दूसरा इतिहास 32 अध्याय उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। हाँ, जकिया को बहुत ही धन और वैभव मिला। यहाँ पर एक राजा है, राजा हिजकिया राजा, और जब हिजकिया राजा के विषय के अंदर लिखा है कि हिजकिया राजा को क्या मिला, बहुत ही धन और वैभव मिला। धन और वैभव सबको इस संसार के अंदर चाहिए। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव, वैभव मतलब नाम, है ना। वैभव किसे कहते हैं भाई, हमारा वैभव पढ़ता है मतलब उसका नाम बढ़ता चला जा रहा है, उसका उसका औदा बढ़ता चला जा रहा है ना। और जैसे जैसे नाम बढ़ता चला जाएगा, औदा बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद में नाम भी बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही बाइबल इस प्रकार से कहती है। मैं एक राजा हिजकिया के विषय के अंदर आपको बता रहा हूँ। राजा हिजकिया है जो है जो जो कैसे आशीष प्राप्त किया, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं। हालेलुया। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। हिजकिया को बहुत ही धन और वैभव मिला। हिजकिया को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने चांदी सोने सोने मणियों सुगंध द्रव्य ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। उसको इतना ज्यादा धन मिला, उसको इतना ज्यादा चीजें मिली, मालूम है बेशकीमती चीजें मिली, उसको क्या करना पड़ा हिजकिया को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने चांदी सोने मणियों सुगंधित द्रव्यों ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार
बन पाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमें इनमें से एक भी चीज प्राप्त ना हो? कितने लोग चाहते हैं सोना मुझे कभी प्राप्त ना हो, चांदी कभी मुझे प्राप्त ना हो? सब लोग चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मिल जाए कि आपको उसके लिए अलग से एक क्या बनानी पड़ जाए, भंडार बनाना पड़ जाए। हालेलुया। ये तो कुछ ज्यादा आशीष हो गई। बोलिए जय मसीह की, जय मसीह की। पूरा ध्यान बच्चे पे मत रखिए, कुछ ध्यान यहाँ पर भी रखिए। अगर आप चूक जाएंगे इससे तो हो सकता है आपके पास में से वो आशीष, वो बरकत जो आज की सुबह परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आप नहीं प्राप्त कर पाए। मैं इस वचन को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, वचन बहुत बड़ा है। अगर ये पूरा खत्म नहीं हो पाया तो मैं अगले सप्ताह भी इसको आप लोगों के बीच में प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस और से सोचेंगे उसको कितनी आशीष और बरकत मिली कि उसने एक अलग से क्या बनाया उसके लिए, भंडार, भंडार मतलब एक अलग से कोठरी बनाई, एक अलग से घर बनाया जिसमें उसने सारी चीजें ले आकर क्या करी, रख दी, है ना, कि ये सिर्फ काय के लिए, चांदी के लिए, सोने के लिए, सुगंधित द्रव्यों के लिए, मणि के लिए है, और आपका आपका क्या लिखा है, ढालों के लिए, मनमाने पात्रों के लिए, है ना, सुंदर सुंदर चीजों के लिए उसने एक अलग से एक घर बनाया, उसमें रखा। और आगे क्या लिखा है पढ़िए जरा, फिर उसने अन्न, हाँ, नया दाग, हाँ, दाग मधु और तेल के लिए भंडार, हाँ, फिर उसने, अब उसको कैसी आशीष मिली है, खाने के अंदर भी, मतलब खाने की उपज के अंदर भी उसको आशीष मिली है। उसने लिखा है फिर उसने अन्न, दाक, मधु और तेल के लिए भी भंडार, मतलब कितना अन्न मिला होगा उसे, कितना दाक मधु मिला होगा उसे, कितना उसके पास में तेल होगा, है ना। हम कहते हैं कि भैया पूरे साल भर खेती किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या करे, चाल के खत्म होते होते तक वो भंडार में से सारा गायब, बेच के खा गए, हमारे खुद खाने के लिए नहीं बचा, है ना। लेकिन उसके पास में कितना, उसको परमेश्वर ने आशीष दिया होगा, जिस कार्य पर हाथ लगा रहा होगा उसमें आशीष, जिस काम को कर रहा होगा उसको आशीष, है ना, जिस खेत में हाथ लगाया होगा उसमें उपज खूब ढेर सारी हो गई होगी, है ना, तेल के भंडारों के पास में क्या होगा, तेल निकालने के लिए खूब तेल निकला होगा उसके लिए, है ना, दाखरस के लिए मतलब खूब अंगूर हुए होंगे, इसलिए दाखरस भी ज्यादा, दाख मधु भी ज्यादा। सोचिए कि उसको कितना ज्यादा आशीष और बरकत मिली कि उसको भंडार बनाने पड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कितना उसको आशीष, कितना उसे बरकत मिला। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, और सब प्रकार सब भांति के पशुओं के लिए, सब भांति के पशुओं के लिए थान, थान और भेड़ बकरियों के लिए बनवाई। हालेलुया। अब क्या लिखा है, देखिए कितने सारे प्रकार की आशीषों से मिलती है। पहले तो धन के रूप में आशीष मिली, फिर उसको अन्न के रूप में आशीष मिली, फिर उसको किसके रूप में आशीष मिल रही है, भेड़ बकरिया, और इन सारे विषयों के अंदर भी आशीष उसे मिल रही है, मतलब पौधों के रूप में भी उसको आशीष मिल रही है, है ना, जानवरों के रूप के अंदर भी उसको आशीष मिल रही है। उसने अलग से सब कुछ बनवाने पड़ रहा है उसके लिए। और आगे क्या लिखा है पढ़िए जरा, उसने नगर भी बसाए। उसने क्या किया, उसने नगर भी बसाए। हालेलुया, हालेलुया। नगर बसाना छोटी मोटी बात होती है, है? पूरी एक कॉलोनी, जिसके पास में पूरी एक कॉलोनी बना दे कोई, तो उससे ज्यादा मेरे तो पैसे वाला कोई हो नहीं सकता। मेरे नाम पर ये वाली कॉलोनी, इसके नाम पर ये वाली कॉलोनी, कॉलोनी का मालिक, हमें यहाँ पर 100 गज का प्लॉट नहीं मिलता, इतनी मुश्किल से मिलता है खरीदने के अंदर, है, उसके नाम पर पूरी एक कॉलोनी। ज्ञानी भाई के पास में कितने बीघा खेत है, 17 बीघा खेत ज्ञानी भाई के पास में, तो ये तो हमसे बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे वाले, 17 बीघा खेत, उसके अंदर पूरा नगर बसा दिया, कॉलोनियां बना दी, तो ये करोड़पति, अरबोंपति, खरबोंपति हो गए, है ना, समझ में आ रही है आपको। तो इसने पूरे नगर भी बसाए। हालेलुया अंकल, हालेलुया, हालेलुया। अपने ध्यान को लगा के रखिए और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए, चीजों की कोशिश करिए, नहीं तो हम लोग यहां से कहीं और चले जाते हैं।
हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है पढ़िए। हाँ चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियां और गाय भैरों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। हाँ और क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। हालेलुया। किसने दिया था इसको? परमेश्वर। किसने दिया था उसको? परमेश्वर। ऐसा क्या काम किया है हिजकिय्याह ने जो परमेश्वर इससे इतना मेहरबान है? हालेलुया हालेलुया। हम पर तो प्रभु तू इतना मेहरबान नहीं होता प्रभु। हम जिस कार्य पर हाथ लगाते वो तो बन नहीं पाता, हमेशा हमारा नुकसान ही होता है प्रभु। और होता भी फायदा भी होता है तो ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत फायदा होता है। हम खेती करते हैं थोड़ा बहुत फायदा होता है, ऐसा क्यों? इसके साथ में परमेश्वर इतना मेहरबान क्यों है ये हमें सोचने की आवश्यकता है, यह हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर इतना मेहरबानी इस पर क्यों दिखा रहा है? हर एक चीज पर परमेश्वर आशीष दे रहा है। परमेश्वर को स्मरण है कि मुझे इसके पौधों पर आशीष देनी है, मतलब इसके जानवरों पर आशीष देनी है। परमेश्वर को स्मरण है कि मुझे इसके अन्न पर, इसे जल पर आशीष देनी है। परमेश्वर को स्मरण है कि मुझे इसके धन पर आशीष देनी है। परमेश्वर को हर एक बात स्मरण है कि परमेश्वर को मालूम है कि मुझे इसे औदा बढ़ाना है। परमेश्वर को मालूम है कि ये इसको मुझे क्या करना है, हर एक क्षेत्र के अंदर क्या करनी है, उन्नति देनी है। हालेलुया। क्या कारण है हिजकिय्याह कि तुम्हें परमेश्वर इतना प्यार करता है कि तुम्हें इतनी सारी आशीष दे रहा है, तुम्हें इतनी सारी बरकतें दे रहा है? क्या बात है। मैं सोचने लगा जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, क्या करते हैं हिजकिय्याह के पूरे जीवन को खंगाल के देखते हैं। हालेलुया। पूरे जीवन को खंगाल के देखते हैं, ऐसा क्या किया है हिजकिय्याह ने जो हिजकिय्याह को परमेश्वर इतना प्यार करता है। अंकल जय मसीह की। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हिजकिय्याह को इतना प्यार करता है? क्या कारण है हिजकिय्याह के ऊपर परमेश्वर इतना मेहरबान है? सोचने वाली बात है, जानने चाहते हैं? चलिए आ जाइए इतिहास, दूसरा इतिहास के अंदर ही पहुंच जाइए। शुरुआत थोड़ा सा इसके और आगे चलते हैं, 29वें अध्याय के अंदर आ जाइए। 29वें अध्याय के अंदर हम लोग 32वां अध्याय पढ़ रहे थे दूसरे इतिहास का। 29वें अध्याय के पास में आइए, पहली आयत से पढ़ना चालू करिए कोई। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा, जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वहाँ 25 वर्ष का था। हाँ जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तो कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। और उससे पहले जो राज्य करता था कौन था? पहले आहाज राजा है, आहाज राजा था जो वो राज्य करता था। लेकिन आहाज राजा ने जिस प्रकार से राज्य किया, बाइबल उस प्रकार से कहती है कि उसने परमेश्वर के विरोध में क्या किया, पाप किया। हालेलुया। और जब आहाज राजा मर गया तो उसका पुत्र कौन था? हिजकिय्याह उसका पुत्र था। और हिजकिय्याह उसके स्थान पर 25 वर्ष की उम्र के अंदर राज्य करने लगा, उसको राज्य सौंप दिया गया। आप लोग सुन रहे हैं मुझे, बोलिए हालेलुया हालेलुया। देखिए पहले राजा ने, जो पहला राजा नियुक्त किया गया था, पहले राजा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और उसको इतनी आशीष इतनी बरकत नहीं मिली। लेकिन उसका बेटा जब राजा बना 25 वर्ष की उम्र के अंदर, तो उस बाइबल इस प्रकार से कहती है वो 25 वर्ष की उम्र के अंदर जब राज्य गद्दी पर बैठा तो क्या हुआ, पढ़िए जरा क्या लिखा है। और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिजा था और जकर्याह की बेटी थी। हाँ ठीक है। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात सुनिए, बोलिए हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिलाकर ऐसे करके बोलिए, वही करो जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह ने सबसे पहली बात एंट्री करते के साथ ही, हिजकिय्याह का जीवन परिचय देते के साथ ही क्या लिखा है, क्या लिखा है, हिजकिय्याह ने वो ही किया जो जो यहोवा की पुरख
मूर्खाओं में सिद्धा दाऊद। ठीक है, अब दाऊद जैसा परमेश्वर के संग में चला, ठीक ठीक चला, वैसा ही उसने क्या किया, उसने भी बिल्कुल सेम टू सेम वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में। अगर आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप बरकत प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की बरकत दे, आपका अंचल भरा रहने पाए, आप सोने चांदी से लबरेस रहने पाए, आपके घर के अंदर धन बना रहने पाए, आपके पौधे आशीष मतलब आपके जानवर आशीष प्राप्त करने पाए, आपके घर पर आप बड़े बड़े मकानों को बनाने पाए, डेवलप करने पाए, इसके लिए मालूम है सबसे पहले आपको अपने जीवन के अंदर जांचने की जरूरत है, क्या आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में ठीक करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हालेलुया। हम बहुत सारी बार सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन क्या यहोवा की दृष्टि में ठीक है, हम इस बात की परवाह करते हैं? बहुत सारी आशीष प्राप्त करना, बहुत सारी बरकत प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे काम करे, लेकिन कब तक काम, क्यों काम हमारे जीवन में नहीं हो पाता, क्यों काम नहीं हो पाता हमारे जीवन के अंदर बताइए? क्योंकि हम उसके दृष्टि के अंदर कहीं ना कहीं ठीक काम नहीं करते, हम उसके दृष्टि के अंदर ठीक काम नहीं करते। लिखा है हिजकिय्याह ने उसके दृष्टि के अंदर जो ठीक था, आपको बताए बाइबल में लिखा है उसकी दृष्टि पूरे संसार के अंदर क्या होती रहती है, लगी रहती है, घूमती रहती है। हालेलुया। और विश्वास पात्र लोगों को क्या करती रहती है, ढूंढती रहती है। कौन विश्वास पात्र व्यक्ति है, वो यहोवा परमेश्वर अय्यूब को उसकी हर एक गतिविधि को देखता। हालेलुया। हर एक गतिविधि को देख, इसके मतलब हमारे और आपके ऊपर भी परमेश्वर की दृष्टि लगातार बनी है। मैं और आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुतायत की आशीष और प्राप्त करने पाए, सब कुछ ठीक हो प्रभु, कोई भी चीज गड़बड़ ना हो, मेरे नुकसान ना हो प्रभु, सब कुछ अच्छा चलता रहे, यही चाहते हैं ना हम लोग हमेशा। लेकिन क्या कभी हम ये परवाह करते हैं कि मेरी जो मैं काम कर रहा हूं वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? नहीं, उसने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक। दूसरी आयत पढ़िए, चलिए तीसरी आयत इसकी। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में, देखिए क्या लिखा है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार पर द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। हालेलुया। हालेलुया। उसने राजा बनते के साथ ही ये नहीं सोचा कि चलो भाई अब मैं बनवाऊंगा बड़े बड़े मुकुट, बड़ी बड़ी आपके पोशाकें, अच्छा सा कोई रथ बनवाऊंगा और उनमें घूमूंगा मजे में, चाहे कुछ भी होता रहे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी शान दिखाऊंगा। नहीं सोचा, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया राजा बनने के लिए, उसने सबसे पहले क्या सोचा बताइए, क्या सोचा सबसे पहले उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के भवन की क्या करूंगा, मरम्मत करवाऊंगा। हालेलुया। जो टूटा फूटा पड़ा है सबसे पहले मैं परमेश्वर के भवन को ठीक करूंगा। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले प्रभु हमें सब कुछ दे दे हम कुछ नहीं करेंगे, हम समर्पित नहीं होना चाहते, हम समर्पण देना ही नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ चाहते हैं सब कुछ देता रहे प्रभु, देता रहे। क्या हम सोचते हैं कि भवन के अंदर इस बात की कमी है, मैं भवन के अंदर ये चीज लेके आऊंगा, सोचते नहीं सोचते। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने भवन के द्वार खुलवाए। क्यों खुलवाए द्वार? क्योंकि पिछला राजा भवन को नाश कर चला पाप किया, उसने सारे बर्तन बिखेर के रख दिए, पवित्र बर्तन पवित्र पात्र को
खराब कर दिया उसने, वेदी को खराब कर दिया, उसको बंद कर दिया, करवा दिया, कोई जाता ही नहीं था मंदिर में, उसने पाप किया, उसने राजा बनने के पहले वर्ष के पहले महीने के क्या लिखा है पहले वर्ष के पहले महीने में उसने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम किया, कोई कुछ किसी और को याद नहीं किया, सबसे पहले अपने परमेश्वर को याद किया। किसको याद किया? अपने परमेश्वर को याद किया। हम उन्नति और तरक्की के समय परमेश्वर को क्या करते हैं? मेरे को चंगाई मिल गई, उसके बाद में क्या सोचते हैं? अबे डॉक्टरों से पैसा जाना बंद हुआ, हटाओ उस पैसे को, सेव करूंगा। ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के पास में आया था, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, उस पैसे को अब मैं परमेश्वर के भवन में दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। नहीं सोचा क्या सोचा? कि उस पैसे को सेव कर अब मैं खाऊंगा मजे में, अब ऐश करूंगा मजे में। बहुत सारे लोग तो प्रार्थना करा के जाते हैं, भैया इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, बहुत दारू पीते हैं, इनको बीमारी हो गई सही हो जाए। मैं हमने प्रार्थना कर दिया, और वो पैसा जो बीमारी में जा रहा था ना, वही पैसा ला कर फिर वो दारू पी रहा है। फायदा क्या हुआ? पैसा जो बीमारी में जा रहा था, डॉक्टर खा रहा था, अच्छा है डॉक्टर खा रहा, नहीं तो वो फिर बीमारी में ही रहता। नहीं सोचा। सबसे पहले हम उन्नति और तरक्की होती है, सबसे पहले क्या सोचते हैं? अपना फायदा सोचते है ना। लेकिन जी क्या ने क्या सोचा? परमेश्वर के भवन को खुलवा, फिर उसकी मरम्मत। अब तक उसके पास में आशीष और बरकत की बात नहीं हुई है, अब तक उसको कुछ मिला नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो अपने मन में क्या सोच रहा है? मुझे परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना है। मुझे परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या किया उसने? मरम्मत कराई। हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर गुरु के चौक में इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था, ठीक है, जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज कर के यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। और उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था। बस मैं इतना ही पढ़वाना चाहता हूँ अभी इसको, इस फिलहाल तो उसने क्या किया? सबसे पहले आप पहले तो सबसे पहले जितना भी गंदगी है पहले तो इस भवन में से निकाल, भवन में से निकाल कर क्या कहा? अब क्या करो? अपने आप को शुद्ध करो और पुरखाओं के पापों की क्षमा मांगो। हालेलुया। किसके पापों की क्षमा? क्यों मांगनी है पुरखाओं के पापों की क्षमा? इसलिए मांगनी है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, जिन्होंने अब तक परमेश्वर को नहीं जाना उनके लिए प्रार्थना करो। मैं बार बार बोलता हूं, क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है उनका असर आपके जीवन में भी होता है। हालेलुया। क्या किया उसने मालूम है? छठी आयत के अंदर लिखा है उसने क्या किया, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किए था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास में मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। इसलिए आप क्या करो मालूम है? उसको शुद्ध करो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है। आप आ जाइए 15वीं से 19वीं आयत में आ जाइए। क्या लिखा है? 15वीं से 19वीं आयत को पढ़िए। क्या लिखा है? इसको उसने भवन को शुद्ध करवाया, मंदिर को शुद्ध करवाया, और फिर क्या लिखा है देखिए। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा के वचन पाकर दी
यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। भीतर गए यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए और क्या लिखा है? याजक यहोवा के भवन के भीतर भाग को शुद्ध करके करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में अपना अशुद्ध वस्तु में मिली उन सब को निकाल कर क्या किया? जितनी भी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर क्या किया? यहोवा के भवन के आंगन में ले गए। ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया, किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। ठीक है, पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के आठवें दिन यहोवा के ओसारे तक आ गए और इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को आठ दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। देखो 16 दिन तक लगातार वो क्या करते रहे? सिर्फ मंदिर की सफाई पर ध्यान देते रहे। सिर्फ मंदिर की किस पर ध्यान देते रहे? सफाई पर ध्यान देते रहे। सफाई क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? सिस्टर ने बताया पवित्र है। सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस स्थान पर गंदगी रहती है वहां पर परमेश्वर काम नहीं करना चाहता। कर सकता है लेकिन नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है जो चीज गंदी है वो कितनी भी साफ करने की कोशिश करो अगर वो साफ ही नहीं होना चाहती, वो साफ होगी नहीं। किसको साफ करना है? हमें साफ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम आशीष और बरकत प्राप्त करना चाहते हैं, सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन को क्या नहीं करना चाहते? साफ नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। चीजें गंदगी, जो गंदी चीजें ना उनको निकाल कर नाले में फेंकना नहीं चाहते। वो भी बनी रहे प्रभु और तू भी अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे प्रभु, लेकिन आशीष और बरकत लेता रहूंगा। और तूने नहीं दिया तो फिर चिल्लाता रहूंगा। है ये तो सिर्फ थोड़ा सा अंश है, मैं इसको समाप्त करना चाह रहा हूं, इस वचन को समाप्त करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं अभी, है ना। इसको अगले संडे तक क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक, पहली बात क्या करनी उसने? पहली बात बताइए, पहली बात क्या करी उसने? नहीं, पहली बात उसने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में हमें क्या करना चाहिए? हमें भी वही काम करना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में। किसी भी काम को करने से पहले हजार बार सोचें कि जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? किसी का बुरा करने से पहले सोच लीजिए, किसी का अच्छा करने से भी पहले सोच लीजिए, जो कुछ भी करने चाहते हैं उसके लिए सोच लीजिए काम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है और कैसा काम उसने ठीक काम किया। सबसे पहले उसने क्या किया मालूम है? उसने मंदिर के फाटक खुलवाए, है ना, उसकी मरम्मत कराई। वही काम जो परमेश्वर को अच्छा लगता था उसने वही काम करना चालू किया। हाँ, बहुत सारे काम करिए लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा तो क्या फायदा काम करने? कोंगो बजा रहे, मैं छोटी का एग्जांपल लगा, कोंगो बजा रही है, परमेश्वर को अच्छा ही नहीं लग रहा बजाने में, फायदा क्या बजा रहे? मैं गाना गा रहा हूँ, परमेश्वर को अच्छा ही नहीं लग रहा गाने में, फायदा क्या? चिल्ला चिल्ला के गाता हूँ। लेकिन जिसमें परमेश्वर अच्छा लगता है, जिसको परमेश्वर अच्छा लगता है, मालूम है वो फटी आवाज में भी गाएगा, उसमें भी परमेश्वर का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोंगो फटा भी होगा ना तब भी ये बजा रही होगी, अगर मन है बजाने का, प्रभु की महिमा करने का, तब भी कोंगो फटा हुआ भी अच्छी आवाज दे रहा होगा। हालेलुया। लेकिन आपका मन नहीं है तो बार बार आप गिटार को ही देख रहे होंगे, तार कौन सा है भैया, तार एक तार टूट गया, नहीं मन कर रहा, गिटार टूट गया, भले चाहे वर्शिप खराब हो जाए लेकिन गिटार का तार टूट गया इसलिए नहीं बजाएंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, यहाँ पर किसकी महिमा कर रहे? किसकी महिमा कर रहे? वही काम करिए जो परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। वही बात नहीं, गिटार नहीं है, कॉम्बो नहीं है,
मैं तो ताली बजा के भी परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। हालेलुया, वही काम करिए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। सबसे पहले तो वो काम करिए और फिर परमेश्वर के लिए काम करना चालू करिए, है ना। मरम्मत कराई, फाटक खुलवाए, अपने आप को शुद्ध किया और जनाब भवन को शुद्ध करवाया और सारे पात्रों को शुद्ध करवाया, सारी चीजों को शुद्ध करवाया। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो ये जर्नी चालू है, जर्नी चालू है इसकी। तब वो जितनी भी आशीष मैंने गिनाई थी ना, जितनी भी बरकत उसमें लिखी थी ना, तब परमेश्वर ने उसको क्या किया, और बाइबल में लिखा है तब सारी आशीष और बरकतों से मामूर हो गया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसका नाम फेमस हो गया, सारी चीजों का। वो बीमार पड़ा, वो बाद में बताऊंगा, है ना, कैसे परमेश्वर ने उसको चंगा किया। फिर बताऊंगा परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन के अंदर काम किया और फिर कितने प्यार से वो परमेश्वर के लोगों के बीच में जाकर सो गया, मतलब मर गया, और उसके बाद में दूसरा राजा बना, लेकिन उसने एक एग्जांपल सेट करके दिया लोगों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन को सिर्फ बरकत और आशीष लेने के लिए नहीं, पहले बाइबल में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर, पहले हम सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, फिर खोज कर, नहीं पहले काम करना चालू करिए, फिर इतनी आशीष मिलेगी, इतनी बरकत मिलेगी कि संभाली नहीं। पहले परिश्रम करना तो चालू करिए, कुछ करना तो चालू करिए। आप सोचें कि सिर्फ हफ्ते में एक बार फास्टिंग रखने से काम हो जाता है, तो नहीं हो पाता। अगर आप सोचें महीने में दो बार प्रार्थना करने से कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं, हालत कुछ नहीं होगा। अपने आप को वही काम करिए जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए अपने आपों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कुछ देर ऐसा करें, प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन को ठीक करें और मैं वही काम